व्हाट्सअप माय यूट्यूब वालों, मेरा नाम है मोहम्मद वसीम और आज मैं आपके फिर से लेके आया हूँ टेली टेक न्यूज़, जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि आज के दिन दुनिया भर के अंदर स्मार्टफोन और नए नए टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या चर्चा हुई है। ज़्यादा आपको बोर ना करते हुए चलिए आज की टेक न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ निकल के आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। अगर आप ऑफिस में काम करते हो, न्यूज़ आपको काफ़ी ज़्यादा सेट कर सकती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है जिसके ज़रिए आपका बॉस आपको ऊपर नज़र रख सकता है डायरेक्ट, यानी बगैर देखे आपकी पूरी एक्टिविटी चेक कर सकता है कि दिन भर आप क्या क्या काम करते हैं। वो ये सॉफ्टवेयर आपके स्मार्टफोन, आपके लैपटॉप, आपके PC, आपके टेबलेट हर जगह आसानी से इंस्टॉल भी हो जाएगा। तो ये न्यूज़ सुनने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ लोग की नौकरियाँ प्रमोशन की तरफ जाएंगी और कुछ लोग नौकरी से छुट्टी भी करेंगे, क्योंकि इतना ख़तरनाक सॉफ्टवेयर अगर किसी ऐसे बॉस के हाथ में लग जाए जो किसी एम्प्लॉय को पसंद भी ना करता हो, तो उसकी तो छुट्टी होना बनती ही बनती है। फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको यह न्यूज़ कैसी लगी। इसके ऊपर कुछ भी आपकी राय हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आप। क्वालकॉम की तरफ से न्यूज़ निकल के आ रही है। क्वालकॉम ने 2020 का एनुअल समिट मुकम्मल कर लिया तकरीबन 5 से 6 घंटे पहले। इसमें क्वालकॉम ने जो फ्लैगशिप डिवाइस आती है, फ्लैगशिप स्मार्टफोन आते हैं एंड्रॉयड के, उसके लिए प्रोसेसर अनवील कर दिया, उसका नाम भी बता दिया है, जो है स्नैपड्रैगन 888 वाई, 821, 835, 845, 855, 865, 875 आने चाहिए थे ना, पर 888 कुछ भी है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की मर्जी है, जो भी करें। फिलहाल ये इसमें जो प्रोसेसर है तकरीबन 5 nm के ऊपर बनाया गया है, यानी 5 nm के ऊपर बनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट होने वाला है, 5G की सर्विस मिलेगी और बहुत से फीचर इसमें छुपे हुए हैं, वो तो फिलहाल आपको किसी अलग वीडियो में पूरा डिस्कस करूँगा इसके ऊपर। तो फिलहाल ये अनवील हो चुका है, अब ये कौन सा पहला स्मार्टफोन होगा जो इस प्रोसेसर के साथ दुनिया में कदम रखेगा, यानी सबसे पहले लॉन्च होगा। रियलमी का इंटरेस्टिंग था और अमेजिंग था, काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट निकल के सामने आ चुका है जो टीस की सूरत में क्या है। रियलमी ने कहा कि जो 5-6 घंटे पहले जो स्नैपड्रैगन 888 जो अनवील हुआ है, रियलमी ने कहा है कि हम दुनिया में सबसे पहले इस प्रोसेसर के साथ अपना स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं। अब दिसंबर के एंड तक या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक लॉन्च हो सकता है, मे बी नॉट। फिलहाल हो ये भी हो सकता है कि कोई पीछे से भागता हुआ है और ये बाजी ले जाए, जैसा कि पहले आपको Xiaomi या फिर कह सकते हैं ZTE करता हुआ देख चुके हैं आप, कि 865 सबसे पहले कोई और लॉन्च कर रहा था, पीछे से ZTE आया और लॉन्च करता हुआ निकल गया। फिलहाल काफ़ी इंटरेस्टिंग सी टीज़ है, अब देखना ये है कि फाइनली Realme ऐसा कर पाता है या नहीं कर पाता। फिलहाल आपकी क्या राय है इसके बारे में, मुझे कमेंट करके अपनी राय से मुझे आगाह कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि आप जो करंट स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं उसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। एप्पल की तरफ से न्यूज़ निकल के आई है कि एप्पल ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सा टास्क दिया अपनी फोस्कॉन कंपनी को। फोस्कॉन कंपनी के आप छोटा सा बता देता हूँ थोड़ा इंट्रो। फोस्कॉन कंपनी एक ही जो आईफोन को मैन्युफैक्चर करती है, यानी आईफोन के ऊर्जे पुर्जे जोड़ती है, उसको टास्क दिया गया है कि तकरीबन एक बिल्ड करे एक स्मार्टफोन जो होगा फोल्डेबल आईफोन, उसको बिल्ड करे और जिसके ऊपर टेक्सिंग करे कि ये हम जो अफोर्डेबल आईफोन बनाएंगे वो ज़्यादा फोल्डेबल यानी ज़्यादा ड्यूरेबल हो, ज़्यादा क्वालिटी भी हो और मज़ेदार भी हो। एप्पल की ज़बान में मज़ेदार सा मतलब पैसा है भाई मेरा। तो भैया एप्पल की ये बात चल रही है फोस्कॉन के साथ, अब देखना है कि पहला प्रोटोटाइप फोल्डेबल आईफोन कब नज़र आता है हमें, 2021 या फिर 2022 या फिर 2023। जब भी आएगा एप्पल एक ही डाला डालेगा, आई हैव रेवोल्यूशनरी फोल्डेबल आईफोन। अगर आपको भी ऐसा लगता हो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ओप्पो की तरफ से न्यूज़ निकल के आ रही है कि ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस ये तीनों स्मार्टफोन के स्क्रीन साइज निकल के सामने आ चुके हैं। ओप्पो रेनो 5 आपको 6.43 इंच का OLED पैनल के साथ मिलेगा, जो रेनो 5 प्रो और रेनो 5 प्रो प्लस है वो आपको 6.55 इंच का OLED पैनल के साथ नज़र आएगा। फिलहाल ये तीनों स्मार्टफोन आपको 2021 में लॉन्च होते हुए नजर आएंगे, मे बी तकरीबन मार्च के महीने में लॉन्च हो सकते हैं, मे बी नॉट। फिलहाल जब भी लॉन्च हो गए आपका इसके ऊपर जो भी अपडेट आएगी आपको लाजमी दे देगा। अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं स्मार्टफोन के बारे में, इसका प्रोसेसर क्या है, एक्सट्रा क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, नीचे कमेंट में अपने कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट करिए और कमेंट के जरिए मुझसे पूछ लीजिए।
सैमसंग की तरफ से न्यूज़ निकल के आ रही है कि सैमसंग गैलेक्सी A32 5G के कुछ 360 रेंडर निकल के सामने आ चुके हैं जो आपकी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे होंगे। दिखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग स्मार्टफोन लग रहा है मुझे, खास तौर पर इसका कैमरा कटआउट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, कलर भी काफ़ी अच्छा है। फिलहाल ये 3D रेंडर कह सकते हैं कॉन्सेप्ट डिज़ाइन है, रूमर्स के अकॉर्डिंग है, इस तरह का ऑफिशियल होगा नहीं होगा वो तो आने वाला टाइम बताएगा। फिलहाल दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साथ साथ ये भी न्यूज़ निकल के आई है कि सैमसंग का चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन होने वाला है सैमसंग A32। अब ये वाकई होगा नहीं होगा वो तो आने वाला टाइम बताएगा। फिलहाल आपको एक कह सकते हैं एक न्यूज़ शेयर कर दूं कि सैमसंग की जो A30 सीरीज है पाकिस्तान के अंदर 45,000 to 40,000 में मार्केट में अवेलेबल है। मे बी अगर ये स्मार्टफोन चीपेस्ट 5G के साथ आने वाला है अकॉर्डिंग तो ये तकरीबन पाकिस्तान 45,000 to 50,000 में नज़र आ सकता है। प्रोसेसर कौन सा होगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल इसके ऊपर कोई भी आगे अपडेट निकल के आएगी तो आपको मेरे चैनल के ऊपर इसकी अपडेट आराम से मिल जाएगी आने वाली टेक न्यूज़ के अंदर, या फिर हो सकता है कल ही मिल जाए, मे बी नॉट। फिलहाल आप कुछ सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट करके अपनी राय से मुझे आगाह कर सकते हैं। तो भैया टेक न्यूज़ का कोटा यहीं था, उम्मीद करता हूँ टेक न्यूज़ आपको काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि आपके लिए मैं मंडे टू फ्राइडे डेली टेक न्यूज़ लेके आता रहूँगा और आपको इन्फॉर्मेशन लगातार शेयर करता रहूँगा ताकि आप लोगों को दुनिया भर की जो इंटरेस्टिंग सी और स्मार्टफोन के बारे में जो भी खबरें वो आप उससे बिल्कुल कह सकते हैं बाखबर रहें। तो टेक न्यूज़ कैसे लगी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, अच्छी लगी बुरी लगी लाइक डिसलाइक करके बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलूंगा मैं अगले किसी टेक न्यूज़ की अनबॉक्सिंग या मोबाइल रिव्यू के साथ। जब तक आप दुनिया में जहां भी रहें, चाहे पाकिस्तान में दुनिया में जहां भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और अपने वालदैन का एहतराम करें। खुदा हाफिज़। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है।